हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी। यू स्टडी के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स, जिसमें हम अवकलन पढ़ रहे थे और अवकलन का ये लेक्चर नंबर 3 है। हमने लास्ट लेक्चर में लिमिट्स पढ़े थे, अब हमें उसके आगे पढ़ना है, जो कि आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे अवकलन को सॉल्व किया जाता है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब क्या होता है। तो मैं फार्मूला लिखूंगा, वो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। देखिए क्या होता है फार्मूला, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको बोलते हैं टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और पूरे के अपॉन में एच, ये इक्वल होता है एफ डैश एक्स के इक्वल होता है। यहाँ पर ये डैश का मतलब होता है कि आपने इसका एक बार अवकलन किया, और एफ एक्स जो आपका दिया हुआ फंक्शन रहेगा, दिए हुए फंक्शन को एक बार यदि अवकलन किया है तो यहाँ पर आएगा एफ डैश एक्स, यदि दो बार करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स, यदि तीन बार करते हैं तो एफ ट्रिपल डैश एक्स, ऐसे करके यहाँ पर लिखा जाता है इसको। ठीक है, और लिखने का क्या तरीका है, अवकलन करना मतलब डी बाय डी एक्स करके उसको लिखते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो ये भी एक अवकलन को बताने का तरीका है कि हमने इसका अवकलन कर दिया। एक ये तरीका है कि एफ एक्स हमें दिया हुआ था और हमने उसका क्या करा, एक बार अवकलन करा, तो हमने लिखा उसको एफ डैश एक्स। ठीक है, ये हमारा एक होता है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। ठीक है, अब ये तो दिया हुआ रहेगा, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन रहता है, एफ ऑफ एक्स दिया रहता है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में उसने पूछा कि साइन एक्स का आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करके बताना है। किससे बताना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से, किसका, साइन एक्स का। तो जिसका भी अवकलन करना है ये हमारा रहेगा एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। और हमें चाहिए एफ एक्स तो मिल गया फॉर्मूले के हिसाब से, अब क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि इस टाइप से यदि रहे कि एफ एक्स दिया हो और एफ एक्स प्लस एच या कुछ भी निकालना हो तो कैसे निकालते, यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स है, यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स प्लस एच है, मतलब दिख रहा है अपने को साफ कि एक्स के प्लेस पर क्या आ गया, एक्स प्लस एच आ गया। एक्स की जगह पर क्या लिखना है हमें, एक्स प्लस एच लिख दिया यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स प्लस एच लिख देंगे, साइन एक्स प्लस एच। आ गया समझ में, इसके बाद इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको करते हैं पूरा ठीक से। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें साइन एक्स का, किसका, साइन एक्स का अवकलन करना है, साइन एक्स का अवकलन करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल लिख देना है पहले, ये हमारे किसके इक्वल है, क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को हम किसके इक्वल मानते हैं, एफ ऑफ एक्स के, एफ एक्स के बराबर मानते हैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एफ एक्स प्लस एच की, तो हम उसको भी लिख देंगे साइन एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच, तो एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर साइन एक्स प्लस एच आ गया हमारा। अब फर्स्ट प्रिंसिपल लिखेंगे कि एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और पूरे के अपॉन में एच आता है। बस वैल्यू रखना है अब हमें, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स और अपॉन में क्या है, एच। अवकलन करने के लिए आपको त्रिकोणमितीय के फॉर्मूले पूरे याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी, क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी, जो कि क्या होता है, जो कि होता है टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू। ठीक है, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू। अब यहाँ पर सी के जगह पर क्या है, एक्स प्लस एच है, साइन सी, सी मतलब एक्स प्लस एच,
माइनस साइन डी, डी के प्लेस पर क्या है एक्स है, तो फॉर्मूले में रख देंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू कॉस सी, सी मतलब एक्स प्लस एच प्लस डी अपॉन टू, सी प्लस डी बाय टू माइनस साइन नहीं सॉरी इनटू साइन सी माइनस डी बाय टू, और पूरे के बटे में हमारा क्या चल रहा है एच चल रहा है। आ गया समझ में यहाँ तक, ये प्लस का एक्स से माइनस का एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे, क्या बचा है हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू कॉस टू एक्स प्लस एच बटे दो, ये x और x जुड़कर क्या हो गए 2x हो गए हमारे, 2x प्लस एच बाय टू इन टू साइन एच बाय टू, एक से एक कट दिया एच बाय टू ओनली बचा, और पूरे के बट्टे में है h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर cos इसको अलग अलग करना है, 2x प्लस एच बटे दो है तो ये अपॉन वाला 2 दोनों जगह चले आएगा, 2x के बटे में भी 2 और h के बटे में भी 2 रहेगा, इनटू में साइन h बाय टू और पूरे के अपॉन में h, और ये 2 जो है इसको 2 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब ये cos को लिमिट अलग से दे देना है और साइन की लिमिट अलग से दे देना है हमें, तो cos की लिमिट क्या हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू जीरो cos, ये 2 से 2 कैंसिल, x प्लस एच बाय टू इन टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच बाय टू, और ये h अपॉन में लेना है। क्यों लिया हमने साइन के अपॉन में h क्यों लिया, इधर cos में क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास साइन का फॉर्मूला है, लिमिट में साइन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू वन, लिमिट लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन होता है, इसलिए हमने वहाँ पर ठीक है एच लिया है साइन के साथ। अब यहाँ पर अपॉन में क्या चाहिए हमें, अपॉन में चाहिए, यहाँ पर अपॉन में क्या चाहिए टू, तो हम क्या करेंगे टू का इंटू टू का डिवाइड कर देंगे, टू का इंटू और टू का डिवाइड करा, एक टू हमारे पास यहाँ पर है, ये वाला टू यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो टू है इसको बाहर निकाल लेंगे पूरे को, इसको मिटा देते अभी, तो ये टू और ये अपॉन वाला टू कहाँ से है यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू जीरो cos x प्लस एच बाय टू इंटू लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन एच बाय टू अपॉन एच बाय टू, साइन एच बाय टू अपॉन एच बाय टू, तो ये हमारा क्या बन गया एक फॉर्मूला बन गया, इसका पूरे का पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू ये टू से टू कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू जीरो कॉस एक्स प्लस एच बाय टू इन टू ये पूरा क्या हो गया वन हो गया फॉर्मूले के हिसाब से, और यहाँ पर लिमिट रख देंगे तो लिमिट मतलब h की जगह पर जीरो रखना है, तो कॉस एक्स प्लस जीरो अपॉन टू, तो कॉस एक्स ये हमारा आंसर हो गया, तो मतलब साइन एक्स का अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा कॉस एक्स मिलेगा, साइन एक्स का अवकलन करने पर क्या मिलेगा कॉस एक्स मिलेगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने निकाल के लेके आए हैं, ठीक है। आगे समझ में क्या करना है, फॉर्मूले याद रखना है पहले, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इसमें एफ एक्स क्या रहेगा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन जो गिवन रहता है वो हमारा एफ एक्स रहता है, और एफ डेस एक्स निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच की ज़रूरत है, तो एफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे निकालेंगे एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रखकर, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रखकर निकालेंगे, ठीक है। और ये ऐसा करके पूरा हमारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते कॉस एक्स का करते कॉस एक्स का करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कॉस एक्स का करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर टू किसका करना है, कॉस एक्स का हमें निकालना है। कॉस एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है, तो ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। हमें ज़रूरत पड़ती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच की, तो एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच कॉस एक्स प्लस एच हो जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। एफ डेस एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की जगह कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, अपॉन में क्या है, एच है। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कॉस सी माइनस कॉस डी का, जो कि क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन डी माइनस सी बाय टू। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा सी, एक्स प्लस एच हो जाएगा सी, और ये एक्स जो है ये क्या है हमारा डी है। तो टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन डी माइनस सी बाय टू, डी माइनस सी, डी माइनस सी बाय टू। ठीक है, और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, एच। आगे समझ में, साइन टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन डी माइनस सी बाय टू। ठीक है, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू साइन, ये एक्स और एक्स जोड़कर क्या बन जाएंगे, टू एक्स प्लस एच बाय टू इंटू साइन एक्स, माइनस का इंटू करेंगे माइनस एक्स, माइनस एच बाय टू पूरे का अपॉन में एच। ठीक है, इसके बाद एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू साइन, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, टू एक्स के अपॉन में भी टू और एच के अपॉन में भी टू आ जाएगा, इंटू साइन, यहाँ पर एक्स से ये एक्स माइनस का कैंसिल, क्या बचा ब्रैकेट में, माइनस एच बाई टू, और पूरे के अपॉन में क्या है, एच है। ठीक है, इसके बाद एफडेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये टू जो है हमारा इसको बाहर निकाल लेना, ये टू जो है इसको बाहर निकाल लिया हमने। ठीक है, और क्या हो जाएगा, साइन ये टू से टू कैंसिल, तो हुआ एक्स प्लस एच बाय टू, ये टू से टू कैंसिल हुआ तो क्या बचा, एक्स प्लस एच बाय टू। और यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, चूँकि साइन माइनस थीटा, क्या साइन माइनस थीटा प्लस साइन थीटा के बराबर, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा, एक मिनट, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर है हमारा साइन माइनस थीटा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा के बराबर, माइनस साइन एच बाय टू के बराबर, और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है, एच चल रहा है हमारा। आ गया समझ में, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू टू, अब ये लिमिट हमें देना है तो लिमिट वो वाले को दे देंगे, इसको भी देना है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एक्स प्लस एच बाय टू इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच बाय टू अपॉन में एच, और ये माइनस को हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पर, ये जो माइनस था उसको बाहर निकाल लिया, यहाँ लिख दिया। अब ये फॉर्मूला बन सकता है, इसलिए हमने एच को उसके साथ दिया है, सेकेंड वाले के साथ। फॉर्मूला बनाने के लिए बटे में क्या चाहिए, टू, तो टू का इंटू टू का डिवाइड कर देंगे, टू का इंटू टू का डिवाइड करके हमें क्या मिल जाएगा, बटे में एच मिल जाएगा, और ये वाले टू को बाहर निकाल लेंगे। क्या बचा हमारे पास, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, और ये इसके अपॉन में कौन सा टू आ जाएगा, ये वाला टू इधर आ गया, इंटू साइन, अब इसमें भी लिमिट रख देंगे और उस वाले में भी लिमिट रखेंगे, इसमें लिमिट रखेंगे तो साइन एक्स प्लस
जीरो अपॉन टू इंटू, ये पूरा फॉर्मूला बन गया हमारा, पहले लिख देते एच टेंस टू जीरो साइन एच बाय टू अपॉन एच बाय टू, ये टू बाहर आ गया, टू से टू कैंसिल, माइनस यहाँ क्या बचा साइन एक्स प्लस जीरो मतलब साइन एक्स, और ये पूरा फॉर्म क्या बन गया वन, पूरा फॉर्मूला बन गया जिसका मान क्या होता है वन होता है, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। यहाँ पर फॉर्मूला लगा क्योंकि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू वन, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन होता है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। तो हमारा मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स का मतलब अवकलन क्या होता है, अवकलन क्या होता है मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, और इसके पहले हमने क्या निकाला था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकाला था जो कि हमारा क्या आया था कॉस एक्स आया था, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आया था कॉस एक्स आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, देख लीजिए इसको। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं जो कि हमारा है टेन थीटा वाला, ठीक है, या हम बोल दें टेन एक्स वाला, ठीक है। टेन एक्स को करने के लिए ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब क्या है हमारा एफ एक्स है, इसके बाद आपको करना है एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस एच हो जाएगा, टेन एक्स प्लस एच हो गया, ठीक है। अब एफ डेस एक्स क्या होता है, एफ डेस एक्स होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन को क्या लिखते हैं हम साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, तो साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, मतलब एक्स प्लस एच था तो दोनों जगह एक्स प्लस एच, और एक्स है तो दोनों जगह एक्स, और पूरे के अपॉन में एच। अब यहाँ पर हम ले सकते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स, ये हमारा लघुत्तम आएगा, ठीक है, मतलब साइन एक्स प्लस एच इंटू में क्या आ जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसका ऊपर इंटू माइनस, इससे ये कैंसिल और ये कॉस का ऊपर इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू, ये जो साइन एक्स है वो ऐसा कि ऐसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जो कि क्या होता है, जो कि होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए ए की जगह क्या है एक्स प्लस एच, तो साइन ए माइनस साइन ए कॉस बी, बी क्या है एक्स है, अपॉन में क्या आ जाएगा ये जो एच चल रहा है ये भी लिखना है अपने को, तो ये अपॉन का एच है, पूरे के अपॉन में एच चल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे का तो वैसे ही रहेगा, तो कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स और साथ में एच, आ गया समझ में, ये एक्स से एक्स कैंसिल, ऊपर में फॉर्मूला लग गया है, नीचे बाकी की चीज़ वैसे की वैसे लिख दी हमने, ठीक है। अब हमारा क्या बचा हुआ है लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन, ऊपर हो गया एच अपॉन में आ गया कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच के अपॉन में एच, ये अलग कर लिया हमने, इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब ऊपर साइन एच तो इधर दे दिया तो बचा क्या वन बचा है ऊपर, और अपॉन में क्या बचा है कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये पूरा क्या बन गया हमारा वन बन गया, फॉर्मूला हो गया लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा, तो ये किसके बराबर हो गया वन के, इंटू
यहाँ पर h रख देंगे लिमिट में, तो cos x प्लस जीरो इंटू कॉस एक्स वन अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स वन अपॉन कॉस का कॉस में इंटू तो कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस का उल्टा होता है सेक स्क्वायर, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मतलब d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। अभी तक हम तीन क्वेश्चन कर चुके जिसमें साइन कॉस और टेन का, तो इन सब के अब फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। ये सब फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब आप सेक का करना, सेक एक्स का करना, इसका आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये करके देखना क्वेश्चन। ठीक है, सेक एक्स का करके देखना है आपको, आपको देखना है कॉट एक्स का करके, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स जो कि क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और किसका देखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये तीन जो स्टार लगे हुए हैं ये आपको करके देखना है घर पर, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी प्रोसेस होती है। ये जो कॉट रहेगा इसमें कॉस अपॉन साइन आता है, कॉसेक जो रहेगा उसको वन अपॉन साइन करके करना, सेक जो रहेगा उसको वन अपॉन कॉस करके करना। ठीक है, करना कोशिश करना उसको। अब हम आगे का एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स आपको कुछ मैथमेटिक्स की छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि आपको अवकलन में भी काम देंगी, समाकलन में भी काम देंगी, और मैथ्स में आप छोटी मोटी चीज़ें में हमेशा काम देती है। जैसे लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या क्या होती है लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग एम इंटू लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम इंटू एन, और इसका उल्टा भी। कैसा उल्टा कैसा, यदि log m into n दिया है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, log m plus log n लिख सकते हैं। दूसरा log m minus log n is equal to log m बटे n, और इसका उल्टा log m by n दिया है तो उसको क्या लिख सकते हैं, log m minus log n, या log m minus log n दिया है तो उसको लिख सकते हैं log m बटे n। ठीक है, log m की पावर n है तो उसमें log, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी और लॉग एम, पावर आगे आ जाएगी लॉग एम बचेगा। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी और क्या बचेगा, लॉग एम बचेगा, ये दिख नहीं रहा है, लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। ठीक है, इसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, माइनस रहेगा तो माइनस लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। बेस सेम हो तो यदि यदि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, आधार समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, ए की घात एम प्लस एन हो जाएगा, ए की घात एम बटे ए की घात एन, आधार समान है और बटे में है तो घातें में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। वन अपॉन ए की घात एन है, बटे में किसी की पावर है तो वो यदि उसको ऊपर लाना है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी। लॉग एम प्लस लॉग एन इजिकल टू लॉग एम इन एम इंटू एन, लॉग एम माइनस लॉग एन इजिकल टू लॉग एम बटे एन, लॉग एम की पावर एन में जो पावर है वो आगे आ जाएगी एन लॉग एम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, आधार समान है और वो बटे में है तो घातों का माइनस हो जाएगा, यदि बटे में कुछ है उसको ऊपर लेके आना है तो घात किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी घात। ठीक है, जैसे क्या है, वन अपॉन एक्स की घात टू है, उसको ऊपर लाना है तो एक्स की घात क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। इसका एग्जांपल कैसे, दो की घात तीन इंटू दो की घात चार, तो ये हो जाएगा दो की घात तीन धन चार सात। ठीक है, दो की घात तीन बटे दो की घात चार, ये हो जाएगा दो की घात तीन माइनस चार, मतलब माइनस का वन, इस प्रकार से आया समझ में। ठीक है, अब हम अगला जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो e की पावर x का है,
ई की पावर एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें क्या निकालना है, अवकलन करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकलन करना है ई की पावर एक्स का। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी सीरीज़ की, जो कि होती है वन प्लस एक्स बटे दो प्लस एक्स की घात तीन, एक्स की घात तीन बटे, यहाँ पर फैक्टोरियल लगा लेना, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स की पावर, ये टू आएगा, एक्स की पावर टू अपॉन टू, एक्स की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ऐसे करके वन प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पर वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस, ऐसा चलते जाएगा ये, ठीक है। इस फॉर्मूले का, इस सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें अगला क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, जो कि ई की पावर एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकलन है, ठीक है। इसको लिख लो आप। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि हमारा e की पावर x, जो भी क्वेश्चन रहता है वो किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। एफ एक्स बराबर क्या है, e की पावर x, तो एफ एक्स प्लस एच किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर, जहाँ पर x है वहाँ पर लिखना x प्लस एच, तो पावर में है इसलिए पावर में ही क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस एच आ जाएगा। फंक्शन के फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटे एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह एफ एक्स ई की पावर एक्स बटे में एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर आधार समान हो तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, तो यदि घाते जुड़ी हुई है तो उसको अलग अलग भी करके हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको अलग अलग कर देना है, e की पावर x इंटू e की पावर h माइनस e की पावर x बटे में h, ठीक है। यहाँ से e की पावर x हम क्या करेंगे, कॉमन ले, लिमिट h टेंस टू जीरो e की पावर x हमने कॉमन लिया तो बचा e की पावर h माइनस वन और बटे में क्या आ गया, h आ गया, ठीक है। इसके बाद लिमिट h टेंस टू जीरो e की पावर x हमारा बाहर निकला हुआ है, अब e की पावर h की जगह हमें क्या लिखना है, लिमिट लिखना है, इसका फॉर्मूला जो अभी हमने लिखवाया था वो लिखना है, वन प्लस एच प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू प्लस एच क्यू बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस डे डे डे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हम लिख देंगे वन प्लस एच प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू प्लस एच क्यू बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस डे 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 माइनस वन और पूरे के अपॉन में क्या है, एच है, ये माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स एच प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू प्लस एच क्यू बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस डैश 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 अपॉन में आ जाएगा एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स, यहाँ पर एच कॉमन ले लेना आपने, सब जगह से एच कॉमन आ जाएगा तो बचेगा वन प्लस एच बाय फैक्टोरियल टू प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस डैश 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 अपॉन में एच, ये एच से एच कैंसिल, यहाँ पर e की पावर x बाहर ले लेंगे क्योंकि लिमिट किसकी है, h की है, तो e की पावर x एक कांस्टेंट रहेगा तो उसको बाहर निकाल लेते हैं हम, ठीक है। इस लिमिट के लिए e की पावर x बाहर आ जाएगा, लिमिट में बचा हमारा h टेंस टू जीरो वन प्लस एच बाय फैक्टोरियल टू प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस डैश डैश डैश, अब हम लिमिट रखेंगे e की पावर x और लिमिट रखेंगे तो ये वन के बाद वाले सारे में h है तो जिस जिस में h है वो सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो वन का इंटू e की पावर x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा। ठीक है, लिमिट फिर से कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो e की पावर x, यहाँ सबसे h कॉमन लिया हमने, बचा वन प्लस एच बटे फैक्टोरियल टू प्लस एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल थ्री प्लस डैश 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 अपॉन में एच, ये एच से एच कैंसिल हो गया हमारा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ ई की पावर एक्स को क्या करना है, बाहर निकाल लेना है लिमिट से, ई की पावर एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस एच प्लस एच बाय फैक्टोरियल टू प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस डैश 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 ई की पावर एक्स, अब लिमिट रखेंगे तो वन प्लस एच आया मतलब जीरो बटे फैक्टोरियल टू प्लस जीरो बटे फैक्टोरियल थ्री प्लस डैश 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 ई की पावर एक्स इन टू ब्रैकेट के अंदर क्या बचा वन
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x, मतलब e की पावर x का अवकलन करने से हमें क्या मिलता है, e की पावर x मिलता है। d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x। अभी तक हमने ये लेक्चर में हमने क्या किया है, चार के फॉर्मूले डेराइव करे हैं। पहला क्या था, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x जिसका आंसर था cos x, d बाई डी एक्स ऑफ cos x जिसका आंसर है माइनस साइन x, d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स जो कि होता है sec स्क्वायर x, और d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x जो कि होता है e की पावर x। d बाई डी एक्स मतलब अवकलन, मतलब पढ़ेंगे कैसे इसको, साइन x का अवकलन cos x, cos x का अवकलन साइन माइनस साइन x, टेन एक्स का अवकलन sec स्क्वायर x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। फर्स्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड प्रथम सिद्धांत का उपयोग करके हमने क्या किया है, अवकलन गुणांक को निकाला है हमने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर के लिए हम अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को करेंगे अवकलन के। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इनटू डिवाइड वाले। ठीक है, थैंक यू।